सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। फेसबुक पे नोटिफिकेशन पाने के लिए फेसबुक पेज लाइक व फॉलो करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे। और दोस्तों बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा नया रूल लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को एक साल पूरे हो गए। इसके चलते सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब कुछ नियमों को सख्त कर दिया गया है। इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और सरकारी योजना लेटेस्ट न्यूज अपडेट की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एक बड़ा रूल लगा दिया गया है। ये रूल पहले से ही किसानों को बार बार चेताया गया था, लेकिन अब 2020 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा किसान शामिल होते हैं, लेकिन इस रूल को फॉलो करने वाले अभी तक सिर्फ 5 करोड़ किसान हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब जो नया रूल है वो पूरी तरीके से क्या लागू किया गया। आपको बता दें कि ये रूल पहले भी लागू था, लेकिन अब 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। ये रूल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार दूसरे साल की इस दिसंबर में दी जाने वाली पहली किस्त होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यह केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक होंगे। अगर किसी किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो उनको यह पैसा नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 किस्तें बिना आधार कार्ड के लिंक बैंक अकाउंटों में दी गई थी। इस योजना से जुड़े हुए अधिकारी के अनुसार केवल 5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट ही आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। करीब ऐसे 5 करोड़ किसान हैं जिन्हें ये पैसा इस बार दिया जाएगा। इन किसानों को 10,000 करोड़ रुपए इस महीने मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 किस्तें जो पिछली साल की थी वो तो किसानों को बिना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाए दे दी गई, लेकिन अब ये पहली किस्त शुरू होने वाली है। ये दिसंबर में शुरू होगी और ये सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़े हुए। जिन किसानों के बैंक अकाउंट से आधार कार्ड नहीं जुड़े होंगे उन्हें अब आगे का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं ताकि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये थी किसानों के लिए जरूरी सूचना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।